दूसरे दो डिफेक्ट्स की। अगला डिफेक्ट होता है ओल्ड एज की वजह से, ये बिल्कुल हाइपरमेट्रोपिया की तरह ही है जिसमें हमको नजदीक का नजर नहीं आता है और दूर का नजर आता है। अ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, हम नजदीक का नहीं देख सकते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, हमारा आई जो है वो पावर ऑफ एकोमोडेशन खो चुका होता है, मींस वो लेंस का फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो हमारी सीरियल मसल्स होती है वो ओल्ड एज में वीक हो जाती है और हमारा आई लेंस जो है वो भी इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, वो मोटा और पतला नहीं हो पाता है। इस वजह से हमारा जो नियर पॉइंट है वो मोर देन 25 ही रह जाता है, एडजस्ट नहीं हो पाता है टिल 25 सेंटीमीटर। इस वजह से हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर नहीं आते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया कॉज ड्यू टू ओल्ड एज एंड इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एज इन हाइपरमेट्रोपिया, इसको भी हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके ही करेक्ट कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले डिफेक्ट की, कैटरेक्ट। ठीक है, हिंदी में हम इसको कहते हैं मोतिया। ये हमें पता ही है कि हमारे बड़े बूढ़ों में ये डिफेक्ट ज्यादा पाया जाता है, उनको ये डिफेक्ट से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मोतिया होते हैं। सो इस डिफेक्ट में क्या होता है, द डिफेक्ट इन द ओल्ड एज इफ द लेंस ऑफ द आई ऑफ अ पर्सन बिकम्स प्रोग्रेसिवली क्लाउडी, अगर आई लेंस जो है वो क्लाउडी हो जाता है रिजल्टिंग इन ब्लर विजन, और जो पर्सन का विजन होता है वो ब्लर्ड हो जाता है, उसको प्रॉपरली दिखता नहीं है। ओके, उसको धुंधला धुंधला नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मेम्ब्रेन ओवर द आई लेंस। आई लेंस के ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, एक जाली बन जाती है, जिस वजह से उनको धुंधला नजर आता है। वी कैन से अ मिल्की लेयर, ओके, एक क्लाउडी लेयर बन जाती है। इट डिक्रीजेस द आई विजन ग्रेजुअली, धीरे धीरे आई का विजन कम होने लगता है। इट कैन इवन लीड टू टोटल लॉस ऑफ विजन, और उससे इंसान की विजन कंप्लीटली भी खो सकती है। द विजन कैन बी रिस्टोर्ड बाय सर्जरी, हम विजन कैसे रिस्टोर कर सकते हैं? ओनली बाय सर्जरी। द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड, जो हमारा अब लेंस ओपेक हो चुका है, जो कंप्लीटली विजन लॉस कर चुका है, जिसकी वजह से दिखना भी बंद हो गया है, तो उस ओपेक लेंस को रिमूव करके हम नया आर्टिफिशियल लेंस उसकी जगह पे लगा दिया जाता है टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, दैट इज कॉल्ड कैटरेक्ट। हमने ये सुना ही है कि मोतिया का ऑपरेशन करवाया जाता है, उसकी सर्जरी करवाया।